नमस्कार दोस्तों, एलमंड मिल्क का बहुत प्रचलन हो गया है आजकल। मैं अमेरिका में गया, वहाँ पे देखा सारे लोग एलमंड मिल्क कर रहे हैं, तो मेरे को लगा कि एलमंड मिल्क के बारे में कुछ बताना चाहिए आपको। देखिए, एलमंड आपको मालूम है वेजिटेरियन फूड है, तो सबसे बढ़िया बात है इसमें कोलेस्ट्रॉल है नहीं, पर इसमें फैट बहुत होता है। पर एलमंड मिल्क में क्या किया जाता है ना, सिर्फ 2.5 एलमंड लगता है 100 ग्राम पानी में, तो ये कोई बहुत बड़ा फैट का कंटेंट नहीं है। जैसे हम लोग डबल टोन्ड मिल्क होते हैं उसमें 1.5 ग्राम फैट होता है, तो एलमंड मिल्क में भी करीब 1.5 ग्राम फैट होता है। कैलोरीज बहुत कम होता है, 17 कैलोरी अगर मिल्क में देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कैलोरीज होता है, पर इसमें कैलोरीज भी कम होती है, तो इसलिए एलमंड मिल्क लिया जा सकता है। फैट डबल टोन्ड मिल्क के बराबर होता है और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। एलमंड मिल्क में फ़ायदा ये होता है कि इसमें विटामिन ई होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये काम की चीज़ें हैं। और स्पेशली जिसको दूध टॉलरेट नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस, उनके लिए ये एलमंड मिल्क काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। लोगों का दूध पीते पीते एक आदत सा बन जाता है, वाइट कलर का कुछ एक लिक्विड है, तो एलमंड मिल्क उसको रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे। मैंने देखा है बाहर तो बहुत चल रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग एलमंड मिल्क लेते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको मान लेते हैं 200 ग्राम एलमंड मिल्क चाहिए, तो 5 बादाम आप भिगो दीजिए रात को, सुबह उसको छील लीजिए और उसको 100 ग्राम पानी में डाल के उसको आप मिक्सी से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद उसको आप छान लीजिए, और छानने के बाद जो अंदर है उसमें 200 ग्राम पानी दे दीजिए। मतलब 100 ग्राम में करीब 2.5 एलमंड होना चाहिए, तो ये एलमंड मिल्क ठीक ठाक बनता है। तो ये एलमंड मिल्क को आप स्मूदीज़ में डाल सकते हैं, उसका बहुत सारे केक पेस्ट्रीज़ में भी डालते हैं। तो आप एलमंड मिल्क को कैसे यूज़ करें आपकी इच्छा है, पर एलमंड मिल्क लेने में कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप तो नट्स मना करते हो हार्ट के लिए, पर नट्स इसलिए मना करते हैं, नट्स इज़ अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फैट, एलमंड में 60 ग्राम फैट होता है, पर 2.5 बादाम में सिर्फ 1.5 ग्राम फैट होता है, तो ये 1.5 ग्राम फैट में इतनी कोई ख़राब बात नहीं है, जो नॉर्मल दूध के बराबर होता है। हम लोग 18 ग्राम फैट लोगों को अलाउ करते हैं, इवन इफ इज़ अ हार्ट पेशेंट, 18 ग्राम फैट होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इन द बॉडी। तो 18 ग्राम के लिए आप अगर देखेंगे तो हर खाने के अंदर थोड़ा थोड़ा फैट होता है, उसको गिन लेंगे तो ये एलमंड मिल्क का भी गिन लेंगे तो 3-4 ग्राम उससे गया, टोटल 18 ग्राम हमारे बॉडी में पहुँचना चाहिए, वो भी बिना ऑयल खाना खाने के बाद। बिना ऑयल का मतलब है जो बाहर से दिखता हुआ ऑयल है वो नहीं डालना है, बॉडी के अंदर जो ऑयल जाती है रोटी के थ्रू, चावल के थ्रू, वो अलग बात है। तो एलमंड मिल्क आप ले सकते हैं, कैलोरी 17 कैलोरी है, उसमें प्रोटीन उतनी नहीं है पर फैट भी थोड़ा बहुत है पर ज़्यादा नहीं है, और इसको लिया जा सकता है दूध के बदले में। सोया मिल्क हमने बोला है, एलमंड मिल्क बोला है, दूध को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं इन दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज यहीं पे रोकते हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, एलमंड मिल्क के बारे में लोगों की नॉलेज क्लियर हो जानी चाहिए, कैसे बनता है, क्या करना चाहिए। तो आज यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी, और हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं किस तरह से उनको लोएस्ट फैट ब्रैकेट में जाके अपने ब्लॉकेज को रिवर्सल करने में मदद मिलता है। थैंक यू सो मच।